Today we will learn the practical process how to stain the endospore. मतलब endospore को कैसे stain करें और उसका क्या process है आज हम उसको practical perform करके देखेंगे. So उसके लिए हमको जो ingredient चाहिए, पहला चाहिए malachite green, दूसरा चाहिए safranin. ये दो हमको stains की ज़रूरत होगी, साथ में filter paper की ज़रूरत होगी और एक distilled water की bottle, साथ में एक forceps और एक स्लाइड जिसके ऊपर स्मेयर बना हुआ हो. जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर स्मेयर बना हुआ है. तो हमें बॉइलिंग वाटर का एक स्टैंड बनाना होगा जिसके ऊपर हम इस स्लाइड को इस तरह से प्लेस कर सकें. इस तरह से स्लाइड को प्लेस करेंगे और अब क्या करना है, हमें एक टिश्यू पेपर, ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके तोड़ करके इसके स्मेयर के ऊपर रखना है और अब इस बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो स्लाइड है उसके ऊपर जो मेलेचाइट ग्रीन है उसकी ड्रॉप्स पूरे फिल्टर पेपर पे फिल कर देनी है. जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फिल्टर पेपर फिल हो चुका है. ये जो वाटर ड्रॉप है इसको 5 to 10 मिनट हमें रखना है. इस तरह से इस अरेंजमेंट में हमको 5 to 10 मिनट्स इस अरेंजमेंट को रखना है. उसके बाद हम इसको निकालेंगे और वॉश करेंगे. हमारे पास 5 to 10 मिनट हो चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को थोड़ा सा अगर ठंडी हो गई हो तो हाथ से पकड़ेंगे और जो ये पेपर है फिल्टर पेपर इसको इस तरह से हटाएंगे. ये फिल्टर पेपर हटाने के बाद इसको तो हम फेंक देंगे और जो हमारे पास डिस्टिल वाटर की बॉटल है उससे जो स्मेयर है उसको इस तरह से वॉश करेंगे. ये आप ऐसे देख सकते हैं. अब ये जो स्मेयर हमारे पास आया है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का ये स्मेयर हो चुका है. अब ये जो स्मेयर है इसके ऊपर हम काउंटर स्टेन डालेंगे सेफ्रानिन. इस तरह से जो स्मेयर है उसको सेफ्रानिन से हम फिल कर देंगे और इसको लगभग 1 मिनट के लिए रखेंगे. अब ये 1 मिनट हो चुका है सेफ्रानिन को रखे हुए. अब इसे भी हम इस तरह से वॉश कर देंगे, इस तरह से वॉश कर देंगे इसे. अब आप देख सकते हैं इस तरह का स्मेयर हमारा नज़र आ रहा है. अब इसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर देंगे, इसका बैक कवर बैक, और इस तरह से साफ़ करने के बाद इसको हम है ना सूखने के बाद ऑयल इमर्शन डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करेंगे. सो कैसा लगा आपको ये पिक्चर कि इसमें जो ग्रीन ग्रीन्स दिख रहे थे वो थे एंडोस्पोर्स जो कि बैक्टीरिया ने फॉर्म किए थे और जो पिंकिश एरिया दिख रहा था वो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल थे. तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा कि कैसे आखिर एंडोस्पोर स्टेनिंग की जाती है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.